नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज। मैं हूं आपके साथ कंचन सिंह राजपूत। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर शुजालपुर से, जहां गुरुवार को यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 71वें जन्मदिन के उपलक्ष्य पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 17 सितंबर से 7 अक्टूबर से सेवा और समर्पण अभियान के अंतर्गत पीएम मोदी के जनसेवक के रूप में 20 वर्ष पूरे कर रहे हैं। इस उपलक्ष्य पर उनके द्वारा की गई जनसेवा पूर्व जिला उपाध्यक्ष अशोक जी नायक, जिला महामंत्री विजय जी वेश के द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जन धन योजना, आवास योजना, आयुष्मान कार्ड, सुकन्या समुद्धि, किसान सम्मान निधि, मुद्रा योजना आदि योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की भावना को लेकर मुक्त रूप से दिया। इस दृष्टि से वैचारिक प्रबोधन सम्मेलन किया भूमिका समिति जैन ने रखी, जिसमें मंचासीन नगर मंडल अध्यक्ष देवेंद्र तिवारी, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष संदीप जी सणास, जिला महामंत्री लता राठौर, रूपल शाह, जिला कार्यकारिणी सदस्य मधु मंडोई उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अर्जुन यादव, ओम प्रकाश कछवाए, मनीष रमडिया, युवराज रमडिया, श्रीमती अर्चना दवे, योगेश यादव, अशोक पांचाल, भगवान सिंह कुशवाहा, नीरज जैन, अमित भेरवे, राहुल सोलंकी, शरद कुमकार, प्रेम बारगी, राजेंद्र चौधरी, हिमांशु सोनी, नटवर राणा आदि लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन नरेंद्र परमार ने किया और आभार अमूल अग्रवाल ने माना। शुजालपुर से मोहम्मद नफीस की रिपोर्ट। कोई भी सुविधा हो, पहले ये राजीव गांधी कहा करते थे कि सरकार से पैसा एक रुपया अगर चलता है तो 15 पैसे तक उस संबंधित व्यक्ति तक मिलता था, 15 पैसे पहुंचता था, 85 पैसा बीच में खा जाते थे लोग। हमारा ऐसा हीरो है ये देश का कि उसने ऐसी व्यवस्था कर दी कि एक एक के खाते में जो भी योजना का पैसा है सीधा डायरेक्ट उसमें डालेंगे, एक पैसा कोई नहीं खा सकता। बंधुओं, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। और मैं तो यह कहता हूं कि इसी के माध्यम से डिजिटल इंडिया हो गया है। एक सीधा मोबाइल से संपर्क और सीधा मोबाइल में खाते से खाते में पैसा, ताकि बिचौलिया कोई किसी प्रकार का कहीं खा नहीं सकता है। वो सीधा सरकार को उसको उसकी नॉलेज में रहे कि इतना पैसा जो है व्यापार में लग रहा है। एक मैं वहां आपको ले जा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी से पूर्व जब जनसंघ की स्थापना, आप सबको पता है, देश आजादी के बाद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने राष्ट्रीय पहली सरकार जो देश की बनी थी जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में, उस सरकार में वो उद्योग मंत्री के रूप में रहे थे। लेकिन जब देश में उद्योग मंत्री के रूप में रहते हुए जब उन्होंने देखा कि सरदार पटेल की जो नीतियां हैं यह नीति राष्ट्र विरोधी है, जब उनको लगा कि अभी के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।